इसके वाइजर के नीचे मैं एक अलग प्रोटेक्शन भी देख रहा हूँ। हाँ, प्रोटेक्शन भी है, एसी से खुलेगा, बाकी ये इसका वाइजर भी रेनबो है आपका। ओके फैमिली, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त ध्रुव फिर से। बाय द वे, मैं चैनल का नाम करण करने का सोच रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि क्रिएटर का वर ना यार, क्रिएटर की स्पेलिंग लोगों को समझ आती नहीं, TOR की जगह TER लिखने की कोशिश करते हैं लोग। तो मैंने सोचा इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि भैया नाम चेंज करो, चैनल का नाम थोड़ा सिंपल रखो। तो सजेस्ट करना है कमेंट सेक्शन में, तुम क्या सजेस्ट करते हो, चेंज कर देंगे 1,000 सब्सक्राइबर से पहले ही ये चीज़। तो खैर, अभी मैं जा रहा हूँ करोल बाग, एंड करोल बाग क्यों जा रहा हूँ, रास्ते में आपको पता चलेगा किसके साथ जा रहा हूँ, वो जस्ट अभी आपको पता चलेगा। बाय द वे, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है बताओ यार, लड़की वड़की पट जाएगी नहीं पट जाएगी? वैसे पटाने नहीं जा रहा, बस अभी आपसे मिल रहे हैं तुरंत। मैं कभी भी गाड़ी स्टार्ट करें तो कभी भी रेस नहीं देनी चाहिए, रेव नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट होता है और गाड़ी के इंजन के लिए सबसे बेकार चीज़ होती है ये। RPM को सेटल होने दें, RPM जब सेटल होगा, देखो अभी सेटल हो रहा है जैसे ही, धीरे धीरे सेटल होगा, उससे क्या होगा कि गाड़ी अपने इंजन को रन करना स्टार्ट कर देगी। आप सुबह उठते आप भाग नहीं सकते, उठते हैं आपको बोलो कि भागो, भाग नहीं सकते ना, सेम गाड़ी के साथ चीज़ होती है। तो ये सेटल होने दीजिए, उसके बाद चलिए। क्यों भाई आयुष? सही बात है भैया। हाँ, पहली बार आ रहा है ना मेरी वीडियो में, ये बंदा आता रहेगा मेरी वीडियो में अगर ये प्रॉमिस करता है आज तो। आऊंगा ही भैया। मैं करोल बाग आया हूँ जैसे कि मैंने बताया था, एंड ये जो शॉप है ये रोमी ऑटोमोबाइल्स हैं। तो मैं भैया से मिलवाता हूँ जो यहाँ के ओनर हैं, वो सब आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे डिटेल में। और मैं जो एसेसरीज करता रहता हूँ मोस्ट ऑफ माय वीडियोस में, वो क्यों ज़रूरी होती है वो भैया के थ्रू ही जानेंगे। मेरी आप बात मानते नहीं, भैया की बात आप ज़रूर मानोगे। तो भैया के पास चलते हैं, भैया मेरे पीछे खड़े हैं, मैं थोड़ा सेट करवा रहा हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अरे चिराग भैया जो इस शॉप के ओनर हैं, एंड ये सब चीज़ों के बारे में आपको इन डिटेल बताएंगे। पहले हम भैया को थैंक यू बोलते हैं, भैया ने अलाउ करा मेरे को कि भैया की शॉप पे मैं शूट कर पाऊँ। तो भैया बताओ अपने बारे में थोड़ा, अपनी शॉप के बारे में। ये हमारी जो है करोल बाग में शॉप है आपकी, गली नंबर 36 में भी है और आगे फ्रंट से भी एंट्री है। ओके। साइड से हमारे पास एसेसरीज भी होती है, हेलमेट्स भी हैं, सारे टाइप के राइडिंग गियर्स, जैकेट्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, अगर सर्विस करानी है तो वो भी करा सकते हो, बाइक्स की नीचे शॉप पे सर्विस भी होती है। तो अब सीधा हेलमेट्स पे चलते हैं, एंड भैया आपको सारी की सारी हेलमेट्स की इनके पास वैरायटी दिखाएंगे, और जो भी हेलमेट्स मिलेंगे यहाँ पे सारे के सारे ISI मार्क के साथ। ठीक है, मैं इसीलिए शॉप पर आई हूँ कि मेरे को इस शॉप पे पर्सनली ट्रस्ट है कि यहाँ पे सारा माल आपको ओरिजिनल मिलेगा, विद प्रॉपर प्रूफ वगैरह सब चीज आपको मिलेंगे, विद बिल मिलेगा आपको सामान यहाँ पे। तो सीधा चलते हैं एंड आपको सारी चीजें दिखाते हैं। तू भी नहीं पहनता हेलमेट भैया? क्या पहनू है, हेलमेट बाइक ही नहीं चलाता। ये भी बात है, कोई नहीं, अब आपको हेलमेट ही दिखाते हैं पहले। ओके, तो शुरू करते हैं। अब दिखाओ आप हेलमेट, आप अपने हिसाब से दिखाना, जो आपको बेस्ट लगते हैं उससे शुरू करते हैं, और दिखाते दिखाते बढ़िया बढ़िया हेलमेट को जाते रहे। जी जी, ये ग्लाइडर्स का है, लाइट वेटेड हेलमेट है जी, और ISI मार्क्ड है, ओरिजिनल है। इसके ISI मार्क चेक करना है, इसके नीचे ये नंबर लिखा होता है जी, ये नंबर आप BSI सर्टिफिकेशन पे डाल के चेक कर सकते हो। ओके, वैलिड है कि नहीं है प्रूफ जी। लाइट वेटेड है, विद PC वाइजर है, अनब्रेकेबल वाइजर है इसका। अच्छा, और अगर इसकी रेट की बात करें कितने से ही? ये 700 रुपए का पड़ता है। 700 रुपए का पड़ता है, 700 रुपीज में आपको ये ग्लाइडर्स का हेलमेट मिलेगा। और इनमें कुछ साइज वगैरह का भी फर्क रहता है? ये यूनिवर्सल साइज आते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल वगैरह आते हैं, वो SM के XOR में मिल जाते हैं। ओके ओके, स्टील बर्ड स्टड्स। ठीक है, ओके, काफी अच्छा हेलमेट लग रहा है, मैट फिनिश के साथ है। हेलमेट है हाँ, और फुल फेस हेलमेट ही लगाना चाहिए ज्यादातर तो। ज्यादातर उसकी चिप की प्रोटेक्शन फुल फेस में होती है, अगर आपको ओपन फेस जाना चाहो तो ओपन फेस में भी काफी बंदे होते हैं जो ओपन फेस यूज करते हैं, जैसे क्रूजर बाइक्स के लिए लोग ज्यादातर ये लेते हैं। ये है, अगर आपको प्लेन में चाहिए होगा तो प्लेन में मिल जाएगा 700 का। ओके, अगर आप ग्राफिक में लेते हैं तो 1050 का। 1050 आप लॉक कर सकते हैं वायर लॉक से। अच्छा, अभी तक ओपन हेलमेट कोई भी लॉक नहीं हो सकता था, इसको वायर लॉक से, जो साइकिल के लॉक्स आते हैं उसको लॉक कर सकते हैं। ओके, काफी अच्छी चीज है ये भी। ग्राफिक्स भी हैं, काफी अट्रैक्टिव ग्राफिक्स आप देख सकते हैं जी। वेंटिलेशन भी है इसके जी। आगे तो स्टड स्टील बर्ड वो भी स्टार्ट हो गया आपके। अच्छा, ये जैसे स्टील बर्ड का गया, स्टार्ट होते हैं 850 रुपए में। 850 रुपए से, ठीक है आपका। तो भैया बंदा वैसे आपके पास ही क्यों आए, कहीं और क्यों ना जाए? नहीं, मार्केट से बेस्ट रेट देंगे तो हमारे पास ही आएंगे। और अगर कोई मेरा नाम लेकर आता है, अब मैं हर एक नॉर्मल यूट्यूबर की तरह बोल रहा हूँ, कोई मेरा नाम लेकर आता है तो? वैसे तो हम डिस्काउंट देते ही हैं, बाकी जो बेस्ट हो सकेगा उसके ऊपर भी और कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं, चलो ठीक है, जो बेस्ट होगा। वैसे भैया को कहने की जरूरत नहीं पड़ती,
ये आयुष के पापा भी यहाँ से एक बार हेलमेट लेके गए थे, 4-5 हेलमेट लिए यहाँ से। तो खैर कोई नहीं, भैया इस हेलमेट के बारे में बताओ, ये कितने का पड़ेगा? ये 850 रुपए का हेलमेट है आपका, अभी जो इसकी MRP है 999 की MRP। अच्छा, आगे MRP एक्सटेंड हो जाती है तो इसके डिस्काउंट स्ट्रक्चर को लेके ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हेलमेट पे। तो ये फ्लिप अप हेलमेट्स भी आ जाते हैं, ये स्टड्स का मॉडल है। अच्छा, अरे वाह, इसका वाइजर भी काफी अच्छा भैया। वाइजर भी रेनबो वाइजर है, वैसे तो क्लियर वाइजर आता है, हम लगा के रखते हैं, अगर किसी को सेपरेट वाइजर्स भी चाहिए हो तब भी हमारे पास अवेलेबल है। और उसकी कॉस्टिंग क्या रहती है, कुछ एक लमसम आईडिया? कौन सा, जैसे अब आपका ये इसका स्टड्स का हेलमेट है, इसकी 200 रुपीज की कॉस्टिंग है आपके रेनबो वाइजर की। अगर प्लेन वाइजर लेते हैं तो 190 की कॉस्टिंग है उसकी। वाओ, रेट तो काफी सही है। इसके बाद अगर आपको वेगा का चाहिए, वेगा का मिल जाएगा, ये भी फ्लिप अप मॉडल्स दिखा रहा हूँ आपको सारे, ये भी फ्लिप अप है, ग्राफिक्स में भी है, प्लेन भी है, दोनों मिल जाएंगे आपको। मतलब काफी यूनिक क्वालिटी देख रहा हूँ, यूनिक वैरायटी देख रहा हूँ बेसिकली मैं आपके पास, जो मैं अपने वहाँ पे नहीं देख रहा था। काफी और भी कलर्स होते हैं एक्चुअली, सारे कलर्स तो लगा नहीं सकते यहाँ पे, फ्लोरोसेंट कलर्स में। जैसे मेरे को एक ये काफी अच्छा लगा था, आते ही अट्रैक्ट करा था, इसके बगल वाला ये भी काफी अच्छा लगा। इसका क्या प्राइस है भैया? ये आपको पड़ेगा 1850 का। 1850 का, और ये विद बिल है, विद गारंटी है आपकी। इसकी जो आप पैडिंग भी देख लेंगे, सारी वॉशेबल पैडिंग है। अच्छा, और पूरा पैक कर देता है, जैसे आपके LSU के हेलमेट्स आते हैं, इम्पोर्टेड हेलमेट्स हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड हेलमेट्स आते हैं उसी के टाइप में, और विद मिरर वाइजर है तो अट्रैक्टिव और ज्यादा लगता है। अब इसके अंदर एक और प्रोसीजर दे दिया आपका उन्होंने। अच्छा, इसके पीछे ना स्पॉइलर भी लगा हो सकता है। ओके, इसका क्या फायदा रहता है कुछ मेरे व्यूअर्स को बताओ? आपको स्पॉइलर्स लगा हुआ भी दिखा सकता हूँ मैं, देखिए इसमें जैसे ये स्पॉइलर होता है, ये स्पॉइलर भी लग जाता है, आपको अलग से चाहिए अलग से भी मिल जाएगा। अच्छा, किसी के पास पहले जैसे थंडर मॉडल भी है, अलग से स्पॉइलर चाहिए वो भी मिल जाता है, तो ये कस्टमाइज हो जाता है हेलमेट, कस्टमाइज हो जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। और बाकी अगर और मॉडल्स पे जाते हैं, जो वेगा का बोल्ट मॉडल है, ये देख सकते हो, इसके पीछे तो स्पॉइलर लगा हुआ है, ये काफी अच्छा लग रहा है, ये भी स्पॉइलर काफी अच्छा है, और ISI और डॉट दोनों है ये। ओके ओके, इसका क्या प्राइस रहेगा कुछ एक आइडिया? 1700 का पड़ता है। 1700 का पड़ता है, मतलब मैंने जो लिया था ना भैया, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, मैंने 2000 रुपए का स्टील बर्ड का हेलमेट मंगवाया था, एयर जो, हाँ, ब्लैक के साथ ग्रे कस्टमाइज्ड है, उसमें प्रिंट में आता है, उससे तो काफी अच्छे अच्छे हेलमेट्स हैं, मेरे को गलती हो गई, हाँ इसी के जैसा है जो दोस्तों आपने देखा भी होगा। बाकी आप ये देख सकते हो, अगर लाइट वेटेड मॉडल है, ज्यादा भी कॉस्टली नहीं है, 3050 का है ये। ओके, लाइट वेट में है और नॉस प्रोटेक्शन दी हुई है, वॉशेबल पैडिंग दी हुई है इसके। ओके, ज्यादा लाइट वेट नहीं है, अगर प्लेन कलर्स में लेते हो तो ये आपको 950 का बैठेगा। 950 का बैठेगा विद बिल, विद गारंटी आपको सारा माल। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास विद बिल मिलता है, विद बिल या मैक्सिमम हेलमेट्स में। अच्छा, हाँ वो तो फिर एसेसरीज वगैरह जाएंगे, और चाइनीज पे जाएंगे तो उस पर तो खैर होता ही नहीं है ऐसा। इसमें एक ये अट्रैक्टिव मॉडल आया हुआ है इसका, स्टील का काफी अच्छा मॉडल है। जी जी, कुछ पड़ रहा है, वाओ, ये आप बटन करेंगे तभी आपका। इसके वाइजर के नीचे मैं एक अलग प्रोटेक्शन भी देख रहा हूँ। हाँ, प्रोटेक्शन भी है, इसी से खुलेगा, बाकी ये इसका वाइजर भी रेनबो है आपका। ओके, ये भी काफी अच्छी चीज है, बट बंद इसको हाथ से ही करना पड़ेगा। एयर वेंटिलेशन काफी अच्छी दी हुई है, रोबोटिक टाइप मॉडल है इसका, मॉडल का नाम है रोबोट। तो जो प्रॉपर मोटर राइडिंग करते हैं, मैं कह सकता हूँ कि वो ये वाले हेलमेट पे जा सकते हैं। हाँ, इस टाइप के हेलमेट यूज कर सकते हैं। बाकी और भी ऑफ रोड हेलमेट्स हैं, ओपन फेस हेलमेट्स हैं, आप देख सकते हो। अगर आप जाना चाहो और हैवी रेंज में, जो आजकल के राइडर्स जाते हैं कि जैसे आपको एग्जॉस्ट चाहिए तो एग्जॉस्ट मिल जाता है प्रॉपर, जो आपका अच्छी क्वालिटी का बेस्ट क्वालिटी का हेलमेट है, और डॉट प्लस इसी अमेरिकन अप्रूव्ड का यूरोपियन स्टैंडर्ड, और ISI मार्क भी है। ओके, जो आप इंडियन गवर्नमेंट में अलाउड है, अलाउड है, चला सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका एंटी फॉग ग्लास भी लगा हुआ है। ओके, एंटी फॉग लेयर लगी हुई है कि जैसे आप पहाड़ों में जाते हो, वहाँ पे ठंड है कुछ है, तो अंदर फॉग नहीं जमेगी आपकी। ये काफी सही चीज है, एक्सोर के तो काफी अच्छे हेलमेट्स होते हैं, मेरे को खुद पर्सनली पता है। एंड एक्सोर हो गया आपका, SMK हो गया, एक्सोर, SMK, MT, ये सारे ब्रांड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं हमारे। ओके, एनी टाइम कोई बंदा आता है और लेता है, उसको अवेलेबल मिलेगी चीज? अवेलेबल मिलेगी, अगर नहीं भी होता तो एक दो दिन में आपको अवेलेबल करा देते हैं, अगर ग्राफिक ना मिले वो तो। ओके, तो काफी सही चीज है ये भैया आपने जो बताई। हाँ जी,
इनकी थोड़ा प्राइस रेंज की बात करें, कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये जो प्रीमियम हेलमेट्स हैं? इसकी जो एमआरपी आपकी एक्सोर की नॉर्मल विदाउट डुअल विजर है वो 3450 है। 3450 है, ओके एमआरपी है। उसके बाद एंड बात करें कहाँ तक जाती है भैया? वैसे तो 12,000-15,000 तक चली जाती है। तो आपके पास कहूँ तो मैं, आपके पास ये सारी वैरायटी मिल जाती है इजीली? वैरायटीज आपको मिल जाती है। ओके, तो मेरे को एक ये वाला हेलमेट काफी अच्छा लग रहा है भैया, ये वाला भी दिखाओ हेलमेट। ये दोस्तों बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है ये वाला हेलमेट। ये SMK का हेलमेट है आपका, डुअल विजर है और एंटी फॉग ग्लास के साथ है। ओके, इस पे ग्राफिक काफी अच्छा है, ग्राफिक है काफी अच्छे, इसके अट्रैक्टिव डिजाइन है। कैप्टन इसको कहते हैं, कैप्टन, हाँ कैप्टन अमेरिका का लोगो भी है इस पे। ये इसके अंदर डुअल विजर भी है आपका। अरे वाह, इसकी एमआरपी है 5150। ठीक है, जो मतलब एक हाईवेज पे और कहीं भी जाता है मोटर राइड्स करने, तो वो ये वाले हेलमेट्स देख सकता है, ले सकता है। किसी को ओपन फेस का शौक है तो ओपन फेस भी इसमें बना दिए आपके। ओके, इस टाइप के अट्रैक्टिव ग्राफिक्स के साथ है, जो रात में जैसे रिफ्लेक्ट करते हैं आपके ग्राफिक्स। अच्छा, इसकी पैडिंग भी देखिए, काफी अच्छी पैडिंग, कंफर्टेबल पैडिंग है, बिल्कुल कुशनिंग दे दी है इसमें तो। पैडिंग आई कैची सा लग रहा था, ये वाला हेलमेट के बारे में भी एक बार बता दो, जैसे जो शौकीन राइडर्स हो गए वो जरूर करवाएंगे ये काम। जैसे आपको अलग से भी कभी ऑर्डर करनी है तो आप कर सकते हो। अच्छा, सिंग से हो जाते हैं, ये अलग से मिल जाते हैं आपको। ओके, 220 का पेयर होता है। अच्छा, इस टाइप के मोहक चाहिए और भी डिफरेंट डिजाइन के मोहक आ जाते हैं। अच्छा, स्पाइक्स आ जाते हैं वो भी मिल जाते हैं। ओके, और पीछे कुछ इस टाइप के आपको चाहिए छोटी टाइप में तो वो भी मिल जाएगी, प्रीडेटर लुक कहते हैं इसको। तो दोस्तों जो जो शौकीन राइडर्स हैं वो पक्का ये चीज कस्टमाइज करा कर सकते हैं, एंड भैया के पास ये सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। क्यों भैया, सही बोला ना? हाँ जी, मैक्सिमम सारी से यहाँ पे मिल जाएगी, लाइट्स चाहिए लाइट्स मिल जाएंगी आपको हेलमेट की लाइट्स। ओके, तो अब मूव ऑन करते हैं भैया की दूसरी चीजों पे, दूसरी जो वैरायटी है भैया के पास, एंड वो सब चीजें आपको दिखाते हैं। बने रहना इस वीडियो के साथ, बहुत मजा आता रहेगा आपको भी वीडियो देखते हैं। एसेसरीज अब बात कर रहे हैं, तो एसेसरीज में सबसे पहली चीज क्या दिखाने वाले हैं? मोबाइल होल्डर्स में जाना चाहो, जैसे काफी बंदे होते हैं कि जो स्विगी वगैरह में भी होते हैं, नॉर्मल बाइकर्स भी होते हैं, उनको मोबाइल होल्डर चाहिए होता है जी, नेविगेशन वगैरह देखने के, वो चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमारी स्टार्टिंग रेंज होती है, इस टाइप से स्टार्ट हो जाती है। ये विदाउट चार्जर है, 150 रुपीज का बस भैया। ये मैंने ना लिटरली हमारे घर के पास मार्केट है, वहाँ पे ये सेम होल्डर 450 रुपए का बिक रहा है। सर यहाँ से लेके जाएगा, ये मार्जिन तक घुमाएगा थोड़ा बस, यही तो बात है। काफी क्वालिटी भी सही है, पर भैया की रेट के हिसाब से चीज और अच्छी होती रहती है। अगला कुछ अच्छा आपके हाथ में दिख रहा है, ये देख सकते हो, अगर वेज चार्जर चाहिए तो वेज चार्जर है आपका। ये आपका 250 रुपीस का वेज चार्जर। ओके, तो भैया कनेक्शन वगैरह सारा नीचे हो जाता है आपकी शॉप? कनेक्शन हो जाता है, लेबर चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। ओके, आपको कनेक्टेड करने के 50-60 रुपीस लेगा। ओके, हाँ जी ठीक है, वो तो नॉमिनल चार्जेस है बिल्कुल। हाँ जी, ये कितने का बताया आपने? ये 250 रुपीस का है, 250 का बताया है। और इससे ऊपर जाते हैं हम, तो इससे ऊपर जाते हैं तो ये वाला आ जाता है मेटल में, इसकी ग्रिपिंग काफी अच्छी है। इसमें आपको शायद फोन इसमें ऐसे फिट हो जाता है, फोन इस टाइप से फिट हो जाएगा आपका। अच्छा, ये कितने का है मोबाइल होल्डर ये वाला? ये अगर आप विद चार्जर लेते हो तो आपको 350 रुपए का बैठेगा, अगर विदाउट चार्जर लेते हो तो 250 रुपीस का है। 250 रुपीस स्टैंड अच्छा, तो निकलता नहीं है मोबाइल, जो आजकल अच्छा। चोरी एक बार दिखाओगे भैया? ले जाते हैं फटाफट, हाँ चोरियां बहुत होती है। हाँ। अच्छा, ये देखो मैंने उल्टा करके भी दिखा दिया, फोन नहीं गिरेगा आपका किसी भी टाइप से, इस टाइप से भी करोगे तब भी नहीं गिरेगा। इतना स्ट्रॉन्ग तो मेरा गोप्रो का वो भी नहीं है भैया माउंट। अगर आपको रोटेट करना चाहो ये 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अरे वाह, इसमें ये अप एंड डाउन नहीं होगा। अच्छा, ये सबसे सही चीज बताई आपने। इस टाइप के होल्डर्स पे और ज्यादा ऊपर रेंज जाना चाहो, काफी तरीके के होल्डर्स हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। अब भैया की रेट के हिसाब से क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है। ये वाला कितने का भैया होल्डर? ये 400 का होल्डर, 400 का, एंड सेम इसमें भी वही है कि ये आप घुमा के इसमें फोन एडजस्ट कर सकते हो अपना। ठीक है, वही 50-60 रुपए लगते हैं इसके फिटिंग के, दैट इज वेरी नॉमिनल चार्ज। और मेन चीज आके पैसे बच जाते हैं यहाँ पर आके, और कोई दूसरी बात नहीं है, पैसे बचाना चाहो भैया के पास एनी टाइम आके काम करवा सकते हो। टाइमिंग्स क्या आपके स्टोर के? हमारे 10 बजे से लेके 8 बजे तक रहते हैं। 8 बजे तक आप यहाँ पे रहते हो? ठीक है, दूसरे पे मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, ये वाला आता है वेज चार्जर, ये भी उसी टाइप का है बट ये बहुत ज्यादा हैवी क्वालिटी में आया। ओके, चार्जर की मैं अगर पूछूं क्वालिटी कैसी रहती है इसमें? ये 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर होता है, ये आपकी बैटरी ना वो नहीं खत्म नहीं होती, ओके स्टेबल रहती है। अच्छा, स्टेबल रहती है। हाँ जी ठीक है। हाँ, जैसे कोई लॉन्ग राइड्स पे जा रहा है या कोई स्विगी जोमैटो वाला बंदा है वो ऐसे होल्डर्स पे रिलाई कर सकता है एनी डे। हाँ,
इस टाइप के जाना चाहो, ये भी लेटेस्ट आया है आपका, जितना मर्जी बड़ा फोन हो उसमें आ जाएगा। ओके, मेरा फोन आ जाएगा इसमें ये वाला? हाँ, इजीली आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। स्ट्रेंथ भी अच्छी है इसकी, ये क्लंप्स वगैरह ओके। रोटेट करना चाहो आप किसी भी एंगल में इसको आप रोटेट कर सकते ये अच्छी बात है, ये किसी भी एंगल में रोटेट हो जाएगा, काफी अच्छी चीज है। ये कितने का भैया ये वाला? ये अभी 950 रुपीज का है। 950 रुपीज का है, वही है कि जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। बाकी अगर आपको वारंटी वाला वाटरप्रूफ चाहिए, वाटरप्रूफ मिल जाएगा आपको। ओके, स्कूटी के लिए पाउच चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, ये भी काफी अच्छा। कितने का भैया ये वाला? ये 850 रुपीज का, 850 का पाउच चाहिए तो पाउच देख सकते हो, ये स्कूटी के पाउच आते हैं, ये इस टाइप से लग जाता है आपका। ओके, ये 200 रुपीज का है आपका, काफी सही है ये भी। जिसको बिल्कुल कोई बेसिक सा चाहिए हो, कहीं घर के आसपास जाते हैं, बस फोन रखना है पता लगाने के लिए कि डायरेक्शन सही है नहीं है, किसी का फोन आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी ये बंदा ले सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको वो चाहिए जैसे गारंटी वाला चाहिए तो हमारे पास सिमटेक का भी अवेलेबल है। ओके, एक बार वो दिखा दोगे भैया? बॉक्स पैकिंग के साथ आता है आपका? हाँ, ये प्रॉपर बॉक्स पैकिंग है और एक साल की गारंटी है इसकी, चार्जर वगैरह की। ओके ओके, इस टाइप से सिमटेक। एलएन की भी साथ में है? एल की भी है, किसी भी चाहे आपकी 5 क्यों ना हो उस पे भी लग जाएगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यूनिवर्सल होगा ना भैया? ये यूनिवर्सल है। हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में है। और इसका क्या प्राइस रहेगा भैया? ये 1500 का पड़ता है। 1500 का है, एक साल की गारंटी के साथ। ओके ओके दोस्तों, मैंने भी एक फॉग लैम्प लिया भैया से। भैया, ये फॉग लैम्प जो दिया आपने, इसके बारे में आप बताओ मेरे को। ये आपका जो है 20 वॉट का फॉग लाइट है, इसके अंदर आपके मतलब फिटिंग्स प्रॉपरली है आपकी, यानी कि सारा पूरा एल्युमिनियम का है आपका ये। ओके, इसकी लाइटनिंग्स अगर आप देखना चाहो तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी कॉस्टिंग बैठती है 1650 की। अच्छा, हाँ जी। बाकी स्विचेस वगैरह लेते हो वो अलग है इसके अंदर। चला के भी दिखाएं आपको? लो, चला के दिखाते हैं। तो ये देखो डेविल आए, ये डेविल आए हो गए इसका, ये इसका फोकस। बताओ जी फोकस कैसा है, वहां दिखाओ आयुष, कैसा आ रहा फोकस आयुष? बढ़िया आ रहा है भैया। चलो अब इधर वापस दिखाओ हमें। तो ये होगा, ये मैंने भी पर्सनली खरीदा भैया से, अभी मैं लेके जाऊंगा और इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी इसके ऊपर प्रॉपर। ये लिया और एक चीज और लिया, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब हम वो वाली वैरायटी डिस्क्लोज करेंगे। तो इसके साथ चलते हैं दूसरी वैरायटी पे। और क्या क्या वैरायटी है? आप स्टार्टिंग से जाना चाहो तो स्टार्टिंग से इस में आ जाता है आपका। ओके, ये 250 रुपीज का पेयर है, ये ओरिजिनल SSLG है। इसमें लोकल्स भी आती है मार्केट में, वो हम नहीं रखते। ओके, हमारे पास सारा ओरिजिनल रहता है इसमें। ओके, इसकी भी काफी अच्छी है, एक बार इसकी दिखाएं हम कैसी इसकी रोशनी आती है। और फॉग लैम्प के तब तक भैया थोड़ी फायदे भी बता दो, क्या क्या फायदे हैं? जैसे आप नाइट में कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नीचे देख सकते हैं इस साइड में, ये देखिए। जैसे आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पे आपको गड्ढे वगैरह नहीं दिखते, उससे आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इससे आपको मतलब दिख जाता है कि यहाँ पे गड्ढा कहाँ पे, आप वो हो सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं, सेफ कर सकते हैं अपने आप को। तो एक ये और दिखाते हैं भैया, एक बार ये चलाओ, मेरे को ये एज अ फ्लैशर लग रहा है, ज्यादा काम आएगा ये फ्लैशर भी। ये आपका ये स्कूटी वगैरह पे लगा सकते हैं, ये तो आपका फ्लैशर वैसे नहीं है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, ये इस टाइप से पुलिस लाइट जैसे आपके। अच्छा, तो ये हर्षद अगर तू देख रहा है ना ये वीडियो, तेरे लिए बहुत बढ़िया चीज है जो तू मांग भी रहा था मेरे से। तो कितने का भैया ये वाला? ये 150 रुपीज का है बस। हाँ जी, 150 का तो बहुत सही है। तो ये मेरी अवेंजर पे लग जाएगा भैया ये? हाँ, कहीं पे भी लग जाएगा। ओके, इस पे चलान भी कट जाता है। अच्छा, चलान कितने का है? वो तो पुलिस वाले बताएंगे। चलो ठीक है, फिर नहीं लगवा रहे हम ये। दूसरे प्रोडक्ट पे मूव ऑन करते हैं भैया, दूसरा प्रोडक्ट दिखाओ। उसके बाद अगर आपको इसी टाइप में अगर आपको वैसे चाहिए फॉगलाइट टाइप में, तो ये आप ले सकते हो। ओके, ये व्हाइट लाइट में, तो इस पे चलान वगैरह नहीं होता है। ठीक है, और इसकी एक बार रोशनी दिखाओ भैया। ये देखिए, ये इसकी रोशनी है। तो बिल्कुल जगमग हो गया आयुष। हर जगह रोशनी रोशनी। इसमें एक और फंक्शन है, अगर आपको फ्लैशर यूज करना है तो आप फ्लैशर भी यूज कर। अच्छा, ये कितने का भैया? डिस्को लाइट्स। ये वाला कितने का पड़ेगा? ये आपका 200 रुपीज का पीस है। 200 का पीस है, और अगर पूरा लेते हैं तो 400 का पड़ेगा। 400 रुपए का पेयर। ठीक है, आपका और भी वैरायटीज है। फिर आपको अगर शॉर्ट में देखनी है, आप शॉर्ट में देख सकते हो, ये मिनी ड्राइव है। अच्छा, ये KI की है, इसी में आपको HJG चाहिए HJG मिल जाएगी, दोनों ब्रांड्स हैं हमारे। अच्छा, और अगर हम बात करें इसकी वारंटी वगैरह कुछ आती है भैया? वारंटी किसी भी चाइनीज आइटम की नहीं आएगी। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इनकी वारंटी नहीं रहती, क्योंकि चाइनीज आइटम है। इंडियन जो भी मिलेगा तो उन पे वारंटी मिल जाती है भैया? उन पे वारंटी मिल। ठीक है, तो ये चीज पहले क्लियर करके चल रहा हूँ, कहीं पता चले भैया को आप आके बोलो मैंने तो ध्रुव की वीडियो में देखा था और आपने वारंटी का बताया, तो दूसरी चीजों के लिए बताया, इन पे नहीं है।
बाकी इसमें आप डबल कलर्स आ जाते हैं, जैसे ये मेन रैप है, छोटा छोटी चीज और डबल धमाका। अरे वाह, ये देखिए इसका भी काफी अच्छा है, उधर दिखाओ ये रोशनी है इसकी, ये इसकी ये अच्छा ये येलो रोशनी है वो देखिए, ठीक है। ये वाली मेरे ख्याल से फॉग में ज्यादा काम आएगी, जैसे अगर फॉग होगा तो हाँ ये फॉग कटर के लिए, हाँ समझ गया मैं, छोटी किसी को लाइट्स दिखाने ना दिखे इतनी ओवरशूट ना हो तो वो इस टाइप की लाइट्स लगा सकता है, ठीक है। तो दूसरे प्रोडक्ट पे मूव ऑन करते हैं, बाकी ये काफी फैंसी सा लग रहा है मुझे। जैसे आपके बुलेट हिमालयंस हो गए वो ये वाली लाइट्स लगाते हैं। अच्छा, अगर आपको हार्नेस वायर भी चाहिए इसके साथ वो भी चीज अवेलेबल है हमारे पास। ओके, तो एक बार इसकी आप दिखाओगे भैया रोशनी कैसी रहेगी? मैं दिखा देता हूं। ये भैया कितने का, ये वाला जो हिमालय और क्लासिक स्टैंडर्ड वगैरह पे लग सकती है वाली लाइट? ये 2700 रुपए का आपका पेयर पड़ता है। एक बार उधर दिखाई दोबारा, काफी सही लाइट है इसकी। इसके अंदर येलो कवर भी, अगर आप डिटैच करना चाहो तो आप येलो कवर डिटैच कर सकते हो। ओके, जो ये आगे लगा हुआ है आगे निकल जाएगा आपका। तो आज के लिए मैंने जो वैरायटीज दिखाई है वो तो सारी आज के लिए हैं, मेरे पास और भी काफी सारी इनके पास वैरायटीज हैं जो मैं दिखा सकता हूं, बट मैं अभी इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो करना नहीं चाहता ये। तो मैं दोबारा आऊंगा भैया के पास, मैं देखूंगा कि आपको रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है इस पे, कि आप क्या क्या इस पे सजेशन और देते हो मुझे। एंड अभी चलते हैं एंड फिर थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे। बट इनके पास अगर मैं बात करूँ वैरायटी, अनलिमिटेड वैरायटी है इनके पास, नी गार्ड हैं, जैकेट्स हैं, राइडिंग लोअर्स हैं, साइड बैग्स हैं, और आपके क्या क्या बोलूँ क्या क्या नहीं है भैया के पास, सब कुछ मिलेगा। बट वही है कि उसके लिए मेरे को एक प्रॉपर एक सीरीज बनानी पड़ेगी जिसमें आप सारी चीज़ें देख पाओ, एक साथ देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। घर आते ही खाना मिल जाए जब आपको बढ़िया बढ़िया, तो कितना स्वाद आता है ना। तो अभी तो वैसे ही मैं साग खा रहा हूँ, मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट डिश, विद गोभी ते गाजर दा अचार। तो अचार और साग जो है मेरी मासी ने, मेरी शशि मासी, थैंक यू सो मच, आई लव यू, और रोटी जो मम्मी ने बनाई है मेरी। तो मैं खाना इंजॉय करता हूँ, आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो बस मिलते हैं खाना खा के आपसे तुरंत। आपको करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, करना है लाइक, चैनल पे नए हो तो पता है वो भी क्या करना है, सब्सक्राइब। जब पता है करते हुए नहीं हो पूरी वीडियो देखा करो यार, दिल को सुकून मिलता है। आई डोंट नो आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो नहीं देख रहे हो, बट अगर देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखा करो, चाहे मेरी देख रहे हो चाहे किसी और की देख रहे हो। अच्छी नहीं लगती, कुछ कमी बेशी लगती तो वो भी बताया करो कमेंट सेक्शन में, हमें भी अच्छा लगेगा जानने में कि क्या कमी है हमारे अंदर, तभी हम इम्प्रोवाइजेशन लाएंगे उसके अंदर। तो खैर इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग पर। टिल देन गुड बाय, गुड लक, सी या।